एयरटेल पेमेंट कर्मी से 8 लाख की लूट के मामले में धनबाद एसएसपी ने किया खुलासा। बरवड्डा थाना क्षेत्र का मामला कुर्मीडीह के पास हुआ था लूटकांड। कांड को अंजाम देने के बाद मारी गई थी गोली। घटना में शामिल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी धनबाद एसएसपी ने किया है। वहीं प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी देते हुए धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने बताया, पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस और नगद 28,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दिनांक 1 तारीख को बरवड्डा थाने में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक अपराधकर्मियों द्वारा गोली भी चलाई गई थी और एक जो पीड़ित था उसे गोली लगी थी और उसे 8 लाख रुपए की लूट की थी। उस लूटकांड का खुलासा करते हुए हम लोगों ने 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की है। तीनों में से जो घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल थे, दोनों मोटरसाइकिल को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और इनके पास से 1 हथियार, 2 जिंदा गोली और लूट के कुछ रुपए बरामद किए गए। बाकी इसमें अन्य भी कुछ और अपराधकर्मी शामिल थे, उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो कांड में जिस वक्त इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें एक अपराधकर्मी दशरथ महतो है, वो पूर्व में भी दुर्गापुर में मुथूट फाइनेंस में जो डकैती हुई थी उसमें यह शामिल था और उसी के द्वारा ये सारा कॉन्स्पिरेसी जो है रचा गया था। इन लोगों जब बातचीत में एक और बात पता चला कि इन लोगों के द्वारा किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने बिहार से भी कुछ क्रिमिनल्स को बुलाया था कुछ दिनों पहले, और ये लोग किसी दूसरे जिले में जाकर के एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन उनका जब उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो जो यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। जो सारा इनका जितने लोग शामिल थे वो सभी को चिन्हित कर लिया गया है और जो कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी और हथियार थे उसको भी बरामद कर लिया। सर, लोकल में संगठन कहाँ, कौन से लोगों का है? लोकल क्योंकि दशरथ महतो पुराना क्रिमिनल है, यह खुद 7 वर्ष जेल में बिताकर आया है। इसके द्वारा ही एक छोटा सा गैंग का ये लोग कोशिश में लगे थे कि एक अपना गैंग फॉर्म करके इस तरह की घटना को अंजाम दे। हम लोगों ने जब पूछताछ की तो जो पुरानी कुछ घटनाएं गोविंदपुर में लूट की घटनाएं घटी हैं उसमें भी इनकी संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य मिले हैं, उस संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की। इस केस में और भी गिरफ्तारी होगी? नहीं, अभी तो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसमें कुछ और लोग शामिल हैं, उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी। ये लोग कहाँ के हैं सर? इसमें जो दशरथ है वो तीनों धनबाद के रहने वाले हैं, दशरथ तो राजगंज का रहने वाला है, बाकी अन्य 2 रफीउल और सरफराज ये भी गोविंदपुर और दोनों गोविंदपुर के 2 गोविंदपुर और 1 बरवाड़ा। सर, बिहार प्रदेश का अपने नाम लिया सर, तो कुछ क्या है लोग करीब बिहार प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? नहीं, बिहार प्रदेश की पुलिस नहीं, इन लोगों का जो कुछ संबंध था पुराने कुछ क्रिमिनल से उनको ये लोग कोशिश में थे कि उनको बुला करके किसी बड़े घटना को अंजाम दे जिसमें ये सफल नहीं।